अब आरटीआई लेटर समझ लेते हैं कि आरटीआई लेटर क्या होता है, या फिर आरटीआई एप्लीकेशन जो होता है वो आखिर होता क्या है। तो देखो, आरटीआई जो एप्लीकेशन होता है उसका यहाँ पर मैंने फॉर्मेट तैयार किया है, तो इसी तरीके से ये फॉर्मेट की तरह ही लिखना है। बट उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आरटीआई का मतलब क्या होता है, और इस लेटर के अंदर बेसिकली हम डिमांड क्या करते हैं। तो देखो, आरटीआई जो है, मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005, तो गलती से मेरे से निकल गया था कि 2005 का वो एक्ट है, आरटीआई एक्ट जो है वो 2005 का, ठीक है, मतलब थोड़ा पढ़ने में मतलब बाय चांस मुंह से निकल गया था गलती से 2005। तो आरटीआई एक्ट जो 2005 में ये बनाया गया था एक्ट को, तो ये जो एक्ट है वो कहता क्या है। तो देखो, पहली बात, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है वो आपको बता देता हूँ। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब क्या कि देखो, जितने भी इंडिया के जो नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के अंदर, उनके पास ये राइट है कि वो गवर्नमेंट से कोई भी इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो आप चाहते हो कि मुझे ये बताओ कि हमारे इंडिया के अंदर या फिर महाराष्ट्र के अंदर टोटल कितने यूनिवर्सिटीज़ है जो कि आइडोल को पढ़ाती है, या फिर कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि मतलब ऐसे कोई मतलब कोई भी आप इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो कि कितने यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें कितने स्टूडेंट जो होते हैं वो पास हो जाते हैं और कितने स्टूडेंट जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, आप ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो, ठीक है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आप गवर्नमेंट से मांगना चाहते हो अपने कंट्री के रिलेटेड, तो वो आप मांग सकते हो, ठीक है। तो इसी को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बोला जाता है, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन कि आपके पास ये हक है कि आप इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हो गवर्नमेंट से, ठीक है। तो उसके लिए आप लेटर भेजोगे, मान लो जैसे अगर मान लो कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो, जैसे कि आपने मान लो कोई एक पेन कार्ड बनाया था अपना, ठीक है तो आपने कोई मान लो अपना पेन कार्ड बनवाया था। अब हुआ क्या कि जब आपने अपना पेन कार्ड बनवाया, आपको आपने पेन कार्ड बनवाने के लिए दिया था एप्लीकेशन, जो भी आपने प्रोसीजर था वो फॉलो किया, पेन कार्ड बनाने के लिए दे दिया। अब हुआ क्या कि नॉर्मली देखो, पेन कार्ड जो रहता है वो 15-20 दिन में आ जाता है, लेकिन आपका 6 महीना हो गया और अभी तक वो आपका जो पेन कार्ड है वो घर पर आया नहीं, ठीक है। अब इतना टाइम हो गया, अभी तक आपका लेटर नहीं आया, तो आप ये जानने के लिए लेटर लिखना चाहते हो कि मुझे ये बताओ कि मेरा जो पेन कार्ड है वो अभी तक आया क्यों नहीं, ठीक है, और किस ऑफिसर की गलती की वजह से ये लेट हुआ है इतना ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो आप करोगे क्या कि जो भी डिपार्टमेंट रहेगा, मान लो पेन कार्ड का जो भी डिपार्टमेंट रहेगा, उसको आप लेटर भेजोगे कि भाई बताओ मेरा जो पेन कार्ड है वो इतना लेट क्यों आया, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं राइट टू मतलब आरटीआई लेटर, ठीक है, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन लेटर, ठीक है। इस लेटर में आप करते हो क्या कि जिस भी डिपार्टमेंट से आप इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो, जैसे मान लो आप हेल्थ डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो कितने पेशेंट मर जाते हैं, कितने पेशेंट बच जाते हैं, उसमें से कितने पेशेंट कौन सी बीमारी से मरते हैं, तो इस तरह का मान लो इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो, या फिर कोई भी आप डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो, जैसे पेन कार्ड का डिपार्टमेंट से अगर मान लो आप इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो कि मेरा पेन कार्ड क्यों लेट हुआ, तो उसके लिए आप लेटर लिखोगे जिसको हम बोलेंगे आरटीआई लेटर, ठीक है, कि आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए गवर्नमेंट से लेटर लिख रहे हो, ठीक है। तो आप उस डिपार्टमेंट को लेटर भेज दोगे कि आप बोलोगे कि भाई मेरे को बताओ कि जो है मेरा जो पेन कार्ड था वो इतना लेट क्यों आया है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है और किस ऑफिसर की वजह से मेरा लेट आया है, उसका नाम क्या है, उसकी पोस्ट क्या है, और उसके बाद अगर मेरे को कोई एक्शन लेना है उसके अगेंस्ट में कि मतलब ये जो गलती है हुई है इसके अगेंस्ट में मैं एक्शन लेना चाहता हूँ, तो मैं कौन सा एक्शन ले सकता हूँ और किस तरीके से ले सकता हूँ एंड कहाँ पर जाकर मैं ये एक्शन ले सकता हूँ, आप ये सारी चीज़ें उन्हीं से पूछ सकते हो एंड वो आपका उस सवालों का जवाब भी, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब आपको अपना एप्लीकेशन लिखना रहता है आरटीआई का लेटर का, ठीक है। तो इस तरीके का रहता है आपको ये मतलब इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जब हम लेटर लिखते हैं गवर्नमेंट से, तो उसको आरटीआई लेटर बोला जाता है। अब इसका फॉर्मेट कैसा रहता है, कैसे इस लेटर को लिखा जाता है एंड आप कैसे लिख सकते हो, तो देखो पहली बात तो ये ऑनलाइन भी भरा जाता है, मतलब ऑनलाइन भी आप जाकर rtiindia.gov.in जो है या फिर .org में भी, तो वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली ऑनलाइन एप्लीकेशन में डाल सकते हो, 10 रुपये का लगता है वहाँ पर, 10 रुपये में मान लो 10-20 रुपये में आप ये लेटर भेज सकते हो गवर्नमेंट को, ठीक है। नहीं तो आप ऑफलाइन भी खुद से लेटर लिखकर भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफलाइन लेटर की हम बात करें कि आप ऑफलाइन में आरटीआई लेटर किस तरीके से लिख सकते हो, आरटीआई एप्लीकेशन को किस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट यहाँ पर बताया गया है जिसको अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, आपको अगर एप्लीकेशन लिखना है तो सबसे पहले फॉर्मेट में आपको रहेगा क्या, देखो सबसे पहले तो आप डेट लिखोगे कि आप लिख मतलब ये जो आरटीआई एप्लीकेशन है वो लिख किस दिन को रहे हो, ठीक है। जैसे आप मान लो पेपर रहेगा तो उसी दिन का डेट लिख देना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डेट लिख देना है, उसके बाद अब आप ये जो लेटर है वो भेजना कहाँ चाहते हो, तो पहली बार तो टू लिखोगे, जैसे आप रहता है ना अपना एड्रेस लिखते हो तो फॉर्म लिखते हो कि ये लेटर कहाँ से आया है, तो आप फॉर्म लिखकर अपना एड्रेस लिख देते हो, और फिर लेटर जाने कहाँ वाला है तो टू लिखकर उसका एड्रेस लिख देते हो। तो वही आपको काम करना है कि पहले टू लिख देना है और उसके बाद उसका एड्रेस लिख देना है, ठीक है। तो एड्रेस लिखने के लिए यहाँ पर
पर कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले आपको एड्रेस लिखने से पहले यहाँ पर आपको ये चीज़ लिखनी है, द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर मतलब क्या, इसको हम बोलते हैं PIO। ठीक है, PIO ये वो ऑफिसर होता है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी रखता है। ठीक है, मतलब अगर मान लो कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो इसकी जिम्मेदारी होती है और उसके रूप में इसको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। तो ये इस ऑफिसर को आप लेटर भेज रहे हो। ठीक है, तो उस ऑफिसर को पहले बारे में उसका नाम लिखोगे, मतलब ये आप डायरेक्टली यही लिख दोगे, द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, हर लेटर के अंदर आपको ये लिखना है, कोई भी चाहे कैसा भी नेचर का मतलब लेटर हो, कि आपको मान लो कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, आपको पहली बात तो यही लिखना है, द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। उसके बाद अब आगे आपको लिखना है कि जिस भी डिपार्टमेंट में आप लेटर को भेजना चाहते हो, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में भेजना चाहते हो, हेल्थ डिपार्टमेंट में भेजना चाहते हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भेजना चाहते हो, जो भी डिपार्टमेंट रहेगा उसका आप नाम लिख दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो भी डिपार्टमेंट लिखने के बाद, अब डिपार्टमेंट के बाद उसका जो उस डिपार्टमेंट का जो भी एड्रेस रहेगा वो आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एड्रेस लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस, ये डेट यहाँ पर नीचे दिया है तो आपको डेट को नीचे नहीं लिखना है, ऊपर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक, वैसे तो देखो RTI लेटर का कोई एक फिक्स फॉर्मेट नहीं रहता, कोई भी ऐसे ऑफिशियल नहीं बोला गया कि आप इसी फॉर्मेट में लिखो, अलग अलग लोग अलग अलग फॉर्मेट में लिखते हैं, बट आपको ये डेट यहाँ नहीं लिखना, ये बाय मिस्टेक प्रिंटिंग से यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आपको डेट लिखना है। ठीक है, तो आप करोगे क्या, सबसे पहले तो ये करोगे, पहले डेट लिख देना, फिर यहाँ पर टू लिखकर जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है इसका नाम ये लिख देना आपको, उसके बाद जिस डिपार्टमेंट में भेजना है वो लिख दोगे डिपार्टमेंट का नाम, एंड उसके बाद अब उस डिपार्टमेंट का एड्रेस लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट आपको सब्जेक्ट लिखना है कि आप ये लेटर आप क्या चीज़ के बारे में है, तो आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर सेम टू सेम छाप देना है। आपको ये लिखना है, द एप्लीकेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, यानी क्या कि आप जो है एप्लीकेशन भेज रहे हो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 सेक्शन 6 के तहत आप ये एप्लीकेशन को भेज रहे हो। ठीक है, तो हर कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, हर जगह सब्जेक्ट सेम रहेगा, यही आपको लिखना है। ठीक है, कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं करने हैं, आपको आराम से आपको इसको बस याद कर लेना है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपको लिखना है हर बार, कोई भी रहे। ठीक है, कि मतलब सिंपल से सब्जेक्ट का मतलब है कि मैं जो हूँ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए 2005 का जो एक्ट बनाया गया था सेक्शन 6 के तहत उसके मतलब अंडर में मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब यही है, सब्जेक्ट में ये जो लिखा है उसका मतलब यही है। ठीक है, जैसे ये सारी चीज़ें हो जाएगी, अब आपको लिखना है डियर सर, कि भैया डियर सर आपको सैल्यूटेशन लिख देना है, एंड उसके बाद अब यहाँ पर ये फॉर्मेट, ये भी फॉर्मेट फिक्स ही कह सकते हो कि यहाँ तक ये जो फॉर्मेट है वो फिक्स रहेगा, बस यहाँ पर एड्रेस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है और डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ओके, अब यहाँ पर मैसेज के अंदर आपको लिखना क्या है, इतना मैसेज जो रहेगा सेम टू सेम आपको छापना है। बताता हूँ क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताओगे कि आई एम, अपना पूरा नाम बताओगे, जैसे आप मान लो आपका नाम गोविंद खुराना, जो भी नाम रहेगा आपका पूरा सरनेम, पापा का नाम, जो भी पूरा नाम रहेगा वो लिख देना है। ठीक है, तो आई एम जो भी आपका नाम है XYZ, और उसके बाद आप लिखोगे रेसिडेंट ऑफ, अपना एड्रेस बोल दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या करना है, आई एम लिखकर अपना नाम लिख देना है, उसके बाद रेजिडेंट लिख देना है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, कहाँ का है, तो अपना एड्रेस लिख देना है। ठीक है, अपना पूरा एड्रेस लिख दोगे। फुल एड्रेस लिखने के बाद अब नेक्स्ट आपको पॉइंट मतलब स्टॉप कर देना है, फुल स्टॉप मारकर अब नेक्स्ट आपको ये लिखना है कि सो आई वुड लाइक टू आस्क फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कि मुझे, मैं जो हूँ चाहता हूँ कि मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिले RTI के द्वारा, तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये सारे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में ये जो मैसेज है इसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है कि भाई मैंने 6 महीना हो गया मेरे को पैन कार्ड लिए, अभी तक मेरा पैन कार्ड नहीं आया, मैं दर दर भटक रहा था, ये सारी चीज़ आपको नहीं बोलनी है। RTI वालों को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपको डायरेक्टली इतना बस करना है, आप जो है अपना नाम बताओगे, कहाँ के रहने वाले हो, और चाहो तो थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि मैंने ये कुछ किया था जिसके वजह से मेरे को प्रॉब्लम, मतलब जिसके लिए मैं RTI एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। ठीक है, बट मत लिखो उतना, कौन मेहनत करेगा, सीधा अपना नाम लिखो, अपना एड्रेस लिखो, और ये वाला लाइन सेम टू सेम लिख दो कि सो आई वुड लाइक टू आस्क फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू द सेम बाय इनवोकिंग द RTI। ठीक है, आप ये सेम टू सेम लाइन लिख देना है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पर ये सारी जो है बुलेट में, मतलब बुलेट पॉइंट्स में लिखी गई है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है यही आपके क्वेश्चन से जिनके इन्फॉर्मेशन जो है, जिनके आंसर जो है RTI वाले आपको देंगे। ठीक है, जो भी आपका पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो रहेगा इसका इसका जो आंसर है वो आपको देगा। ठीक है, जो रिप्लाई इसका आएगा तब। ठीक है, तो देखो यहाँ पर करना क्या रहेगा, तो जैसे ही आप यहाँ तक तो सेम टू सेम छाप दोगे, लेकिन उसके बाद अब आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी रहेगी, ओंस लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स ये है क्या, पहले बता देता हूँ। तो देखो ये जो पॉइंट्स है ये है कि मतलब
आप जो है इन्फॉर्मेशन क्या चाहते हो। जैसे मान लो पेन कार्ड वाला ही था, तो मान लो आपने सबसे पहला पॉइंट लिख दिया कि मैं जो हूँ चाहता हूँ कि मुझे जो है ये पहले बात तो ये बताया जाए कि मेरा जो पेन कार्ड है मैंने 6 महीने पहले मतलब एप्लीकेशन दिया था पेन कार्ड के लिए। उस टाइम पे मेरे को नॉर्मली जो है 15 से 20 दिन के अंदर पेन कार्ड नॉर्मली आ जाता है, बट मेरा 6 महीना हो गया और अभी तक नहीं आया। तो मेरा जो है मतलब वाई मेरा क्यों नहीं आया अभी तक पेन कार्ड, तो उसके बारे में पहली बात तो बताओ। आप ऐसा पहला क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन मार्क्स दो, आप चाहो तो क्वेश्चन मार्क दे सकते हो अगर आप क्वेश्चन टाइप में अगर कुछ पूछ रहे हो, ठीक है। तो पहली बात ये लिख सकते हो कि कौन रिस्पॉन्सिबल है जो कि जिसके वजह से मेरा ये जो डिलीवरी इतना मतलब लेट हुआ है, ठीक है। तो ये आप पहली बात लिख सकते हो कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में आप पूछ रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट लिखोगे कि जो भी ऑफिसर है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम मुझे बताओ, उसका पोस्ट जो भी रहेगा वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मुझे बताइए, ठीक है। उसके बाद ये पूछो कि अब मैं चाहता हूँ कि अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि उसके अगेंस्ट में मैं कुछ एक्शन लेना कि उसकी वजह से मतलब मेरे को ये सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, मेरा पेन कार्ड इतना लेट आया जिसकी वजह से काफ़ी सारे मेरे को प्रॉब्लम झेलने पड़े, तो उसके अगेंस्ट में मैं कौन से एक्शंस ले सकता हूँ, लीगल एक्शंस कौन से ऐसे रूल्स है या फिर कौन से लॉ है जो कि जिसकी मदद से मैं उसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन ले सकता हूँ, तो उसके बारे में मेरे को बताओ। एंड मैं कैसे उन एक्शंस को ले सकता हूँ, मतलब कहाँ पर जाकर ले सकता हूँ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन से कोर्ट में जाऊँगा, कहाँ पर जाऊँगा, ये सारी चीज़ें बता दो। या फिर कौन से ऐसे मतलब रहता है ना, कोई कोई रहता है कि आप इन ऑफिसर से बात करके उनको रेस्टिगेट करवा सकते हो, ये सारी चीज़ें कि मैं किस आदमी से बात करूँ इसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप पूछ सकते हो, ठीक है। नॉर्मली आपको यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछने रहते, 10-12 नहीं बोलने हैं आपको कि भाई मेरे को ये वाली इन्फॉर्मेशन भी दे दो, ये वाली भी दे दो, ये वाली भी दे दो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 पूछने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 भी पूछ सकते हो, मतलब 5-6 ही आपको कुछ जो भी आपके इन्फॉर्मेशन है आपको मांगनी है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं मांगनी है। जैसे ही आप ये 5 से 6 इन्फॉर्मेशन मांग लोगे, ठीक है, जैसे आप 5 मांगी गई इन्फॉर्मेशन, तो जैसे ही आप ये सारे 5 नहीं 6 मांगी गई है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये 6 मतलब 5-6 इन्फॉर्मेशन मांग लेते हो, उसके बाद आपको लिखना क्या है, ये लास्ट में ये लिख देना है कि आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीव दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, थैंक यू। आपको ये लिख देना है कि मतलब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे, एंड थैंक यू लिख देना है। उसके बाद यूर सिंसरली या फिर यूर फेथफुली लिखकर अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर नाम नहीं लिखना है, सिग्नेचर डायरेक्टली करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर चाहो तो फॉर्म भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखते हो डायरेक्टली अपना एड्रेस भी लिख सकते हो, तो चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में अपना एड्रेस लिख देना है ताकि उन लोग रिप्लाई भेजेंगे तो आपको एड्रेस पे भेजेंगे ना, तो इसलिए अपना नाम लिख दोगे कि मेरा नाम है मिस्टर दीपक चोपड़ा, और जो भी आपका एड्रेस रहेगा वो आप लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टोटली आपका आरटीआई लेटर लिखना रहेगा, ठीक है। मे बी आपको आरटीआई लेटर का समझ आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, तो डेट लिख देना है 2 लिखकर, उसके बाद जो भी ये लिखना है कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर सेम टू सेम लिख देना है। उसके बाद जो भी डिपार्टमेंट रहेगा उसका नाम लिख देना है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट उसका नाम लिखना है। उसके बाद उस डिपार्टमेंट का एड्रेस लिख देना है, ठीक है। एड्रेस ओन से भी लिखोगे चल जाएगा, बट अगर मतलब ओन से ही लिख दोगे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि यही डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो उनसे ही लिख दोगे चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको सब्जेक्ट लिख देना है, और सब्जेक्ट के अंदर ये सेम टू सेम छाप देना है। उसके बाद डियर सर लिखकर आपको ये सारी लाइंस को कॉपी करना है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना, यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना, और उसके बाद आपको ये वाली लाइन कॉपी करनी है। उसके बाद यहाँ पर 5 से 6 आपके जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो मांगना, ठीक है, मतलब कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप ओन से ही पूछ सकते हो कि मेरे को ये, क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपको बस इशू बताया जाएगा कि आपकी क्या इशू है, और उसके अगेंस्ट में आरटीआई लेटर डाल रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको खुद से ही सोच सोच के कि मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगूंगा अगर मेरे को ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आपको खुद से सोच सोच के मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगनी रहेगी कि मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी तो क्यों आई थी, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, कौन सा ऑफिसर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसके मतलब क्यों वो ऐसा मतलब ऐसा गलती उसने क्यों किया था, क्या उसकी मतलब परेशानी थी, और अगर कोई परेशानी नहीं है उसने जानबूझ के ऐसा किया था तो मैं उसका इसमें क्या एक्शन ले सकता हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम मांग सकते हैं। या फिर जो भी प्रॉब्लम रहेगी, जो भी हमारा टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन मांगनी है, 5 से 6 पॉइंट्स मांगने, आप बुलेट पॉइंट्स में ही इस्तेमाल करोगे, मैं जैसे पॉइंट देकर आपको इन्फॉर्मेशन मांगनी है, ठीक है। ऐसे 1, 2, 3 लिखकर आपको नहीं मांगना है, आपको बुलेट ये जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं इनका इस्तेमाल करना है। उसके बाद लास्ट में आपको ये लाइन लिखकर सेम टू सेम लाइन लिख देनी है। उसके बाद आप ये लिखोगे कि यू आर सिंसियरली या फिर यू आर फेथफुली लिखकर अपना सिग्नेचर मारोगे, एंड फिर लास्ट में अपना एड्रेस लिख दोगे, नाम लिखकर एड्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा ये आरटीआई लेटर हो जाता है। मे बी आपको ये आरटीआई लेटर समझ आ गया होगा कि कैसे आरटीआई लेटर लिख